हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं गाइस? आज मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और अभी घर से जाने की तैयारी हो रही है। घर से जा रही हूँ, मम्मी के यहाँ से मैं रतलाम। और रात में ही पता चला था कि आज का ही हमारा रिजर्वेशन है, वरना पता नहीं था। हम सब लोग ऐसे बैठ के गप्पे मार रहे थे, मैं और मेरे भाई वगैरह और ये भी। तो अचानक से जब रिजर्वेशन की बात चली तो इन्होंने बोला चलो मैं देखता हूँ। मैं इनसे इतना बोलती रही नहीं आज नहीं चलते हैं, कैंसिल करा दो। तो इन्होंने नहीं बोला, नहीं चलना है। तो मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, मैं अच्छे मन से नहीं जा रही हूँ। और ये मेरी भाभी हैं और सभी लोग खड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जाने से पहले रोली चावल से टीका करते हैं और सभी लोग कुछ ना कुछ देते हैं, मतलब पैसे देते हैं। तो ये मेरी भाभी मेरा तिलक कर रही हैं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो गाइस, हम लोग घर से यहाँ स्टेशन आ चुके हैं। वैसे हमको बरेली जाना था, पर हमने सोचा इतना लंबा जाके क्या करेंगे, रामगंगा ब्रिज पे ही 1 मिनट तक खड़ी रहती है गाड़ी, तो यहीं पे ही बैठ जाएंगे गाड़ी में। और नायशा अपना बैग लेकर आ रही है और अनिक भी। ये बच्चे ऐसे हैं कि बिल्कुल छूने नहीं देते अपने बैग को, इनसे चलाया भी नहीं जा रहा। और गाइस, एकदम से यहाँ पे कोहरा नहीं था और एकदम से इतना ज़्यादा कोहरा आ गया था, आप लोग देख सकते हैं। ये पीछे है ना, यहाँ पे तालाब है सिंघाड़े का, मतलब तालाब है यहाँ सिंघाड़े की पैदावार होती है, तो उसी के ऊपर इतना सारा कोहरा आ गया एकदम से। अभी तक नहीं था यहाँ पे। तो गाइस, हमारी ट्रेन भी आ चुकी है और अब हम लोग इसमें बैठते हैं और सीधे रतलाम ही आप लोगों से मिलती हूँ मैं। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ रतलाम और मैं रात में ही 11 बजे आ गई थी और अगले दिन से फिर लग गई काम में, क्योंकि जब गंदा पड़ा होता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं ये होली की भी सफाई कर रही हूँ और मैं यहाँ पे पूरा बेड वगैरह साफ़ करके, अलमारी वगैरह सब साफ़ करके रखूँगी। और बेड में जो भी जो भी पहले से फैला हुआ था वो सारा सब व्यवस्थित जमा के, और इसमें एक्स्ट्रा जो मुझे अभी साड़ियाँ वगैरह मिली हैं उनको मैं इसमें रख दूँगी, क्योंकि मुझे अभी तैयार नहीं कराना है उनको, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ अभी हो गई हैं मेरे पास, तो उनको कराने से कोई मतलब नहीं है, तो उनको ऐसे ही रख दूँगी। अभी मेरे मामा वगैरह भात लेकर आए थे, तो मामेरा लेकर आए थे, तो उन्होंने ही दी थी 2 साड़ी, मम्मी ने दी थी और पहले की भी बहुत सारी रखी हैं, तो उनको ऐसे ही रख दूँगी मैं। और बेड वगैरह साफ़ कर लिया, इस साइड का साफ़ कर लिया, इधर का भी सब साफ़ करके सारे कपड़े वगैरह। अभी क्या यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी कम हो गई है, मतलब नॉर्मल ठंड है बस सुबह शाम की, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़क धूप निकलती है यहाँ पे एमपी में। तो फिर मैं सारे कपड़े जो भी गर्म है सारे रख रही हूँ, बस 1-2 ही निकाल रही हूँ। बच्चों के भी 1-2 ही निकालूंगी, बस इसके पापा के नहीं रखती क्योंकि वो चिढ़ जाते हैं, उनको कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, तो उनके तो मैंने ऊपर ही रखे हैं। और कहीं से आओ तो काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आप लोग देख सकते हैं इतने ज़्यादा मेरे कपड़े फैले। और मुझे क्या कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी सफाई की, तो मैं सफाई कुछ ज़्यादा ही करती हूँ, मेरे घर में मोस्टली होती ही ज़्यादा है मायके में। तो मैं यहाँ पे ये बैग हैं बच्चों के, इनको धोऊंगी नहीं क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे। इनके जो ये पहिए हैं ये हर जगह रगड़ते हैं तो इनमें गंदगी भर जाती, तो इनको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी दोनों बैग के, और फिर इनको पन्नी में लपेट के ऐसे नहीं रखूँगी वरना धूल उल चढ़ती है इन पे, क्योंकि जो इनकी पॉलीथीन वगैरह थी वो मैंने संभाल के रख गई थी कि वापस लाकर इसमें वैसे ही रख दूँगी, तो उनको वैसे ही रख के मैं अंदर बैग में रख दूँगी। कोई चीज़ को अगर आप अच्छे से रखते हो या केयर करके रखते हो तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से लंबे टाइम तक चलती है। तो मैं इन दोनों बैग को अच्छे से पैक करके इसी में रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे वापस भी घर जाना है, तो मैं इनको नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि ये बच्चे हैं बिल्कुल भी खींच तो पाते नहीं, इनके बैग में वजन हो जाता है और फिर ये देते भी नहीं हैं, और फिर जल्दी जल्दी चलना पड़ता है तो फिर ये चलते भी नहीं हैं ढंग से, तो इनके बैग लेके नहीं जाएंगे, बस एक ही बैग लेके जाऊँगी। और यहाँ पर ये कॉर्नर है, इसको भी मैं अच्छे से साफ़
साफ़ कर लूँगी। और ये जो बॉक्स है ये मैंने थोड़ा ये एम्बे का बॉक्स आया था तो मैंने इसको अच्छे से कट करके यहाँ दवाइयाँ वगैरह सारी रख ली अपनी, जो मल्टीविटामिन है, आयरन की है टेबलेट, जिससे सामने रहती है ना तो थोड़ा खाने में भी ध्यान आ जाता है, वरना ये चीज़ें अंदर रखी रहेंगी तो हमको ध्यान भी नहीं रहता, इसलिए ये चीज़ों को हमेशा सामने ही रखना चाहिए। और यहाँ पर रूम पूरा क्लीन करके फिर बैग वगैरह मैंने सारे उठा दिए हैं, जिनको धोना है वो धोने के लिए रख दिए। ये मैं जाने से पहले एक बाल्टी कपड़े पूरे धो के गई थी, इनको भी मुझे सारे तय लगाना है, और ये ऐसे ही रखे हैं। और मेरी अलमारियाँ सारी ख़राब हो चुकी हैं, पूरा उनके कपड़े अच्छे से व्यवस्थित जमाना है, उनको रखना है। और आप लोग देख सकते हैं इतना सारा कचरा ये निकला है अभी, इसमें से मुझे अच्छा अच्छा निकालना है। क्या पेपर वगैरह हैं जो उनको रखूँगी रद्दी के लिए, और जो एक्स्ट्रा सामान है उनको सारा फेंक दूँगी। इसमें बेडशीट वगैरह सारी हैं, तो गाइस मैंने मशीन के ऊपर रख दी है जिससे आसानी होगी कपड़े धोने में। यहाँ बहुत सारे कपड़े हैं, और अभी ये छत पे जा रही हूँ, जो एक्स्ट्रा सामान था वो स्टोर रूम में रख के आई हूँ, और मशीन ऊपर रख दी है जिससे क्या कपड़े धोने में आसानी होगी, नीचे बहुत ज़्यादा गीला नहीं होगा, स्पेस कम है इसलिए। और यहाँ पे भी मैं जो नीचे टेबल है आगे वाले रूम में, इसको मैं सही कर रही हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे इस जो गठरिया ये कपड़ों की बंधी है प्रेस के लिए, एक महीने से ऐसी की ऐसी रखी है, मैं बोल बोल के थक गई इनको कि दे के आ जाओ, पर ये देने नहीं गए। और मैंने वहाँ से भी जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो भी सारे निकाल लिए धोने के लिए, और ये भी सारे कपड़े धोने के लिए मैं ऊपर रख दूँगी। और मुझे पूजा वाला मंदिर भी साफ़ करना है, वो मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। मतलब ये सारी सफाई करने के बाद ही मैंने उसकी सफाई करी है, जैसे दीपावली पे पूरी सफाई होती है ना, उसी तरीके से मैं यहाँ करती हूँ होली की भी सफाई। और फिर मुझे घर भी जाना है होली पर, तो इसलिए मैं सब करके ही जाऊँगी, जिससे मम्मी जी को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और ये जो भी अच्छे कागज़ हैं जो इनके काम के, वो मैं उठा के रख ले रही हूँ, फिर आगे वाले रूम में आ जाती हूँ, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ के जो गद्दे वगैरह होते हैं सारे मैं ऊपर डाल के आ जाती हूँ। जब आप कहीं से आते हैं, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम था, मम्मी जी ऊपर नहीं आ पाई सफाई के लिए, और नीचे ही मतलब गुड़िया भी आई हुई है, दीदी वगैरह आई हुई हैं, तो उनमें ही लगी रही, तो मैंने कहा कोई नहीं मैं सारा कर लूँगी। तो फिर ये सारा कचरा वगैरह उठा के मैं अभी फेंक दूँगी, फिर उसके बाद छत पे जाऊँगी। जहाँ छत पे गाइस मैं आज का वीडियो नहीं है, ये मैं एक ही दिन का बना पाई थी, वो अगले दिन का है, सुबह मॉर्निंग का 5:30 बजे का। तो मैं 5:30 जब मुझे कुछ काम करना होता है ना तो नींद नहीं आती है, तो मेरी नींद काफ़ी बार खुल रही थी, तो सुबह मॉर्निंग का 5:30 बज रहे थे, तो मैं ऊपर छत पर गई और मशीन में कपड़े धुलने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं मेरे। और ये जो बैग है इसमें सारी चादर वगैरह हैं, तो मैंने इसमें कपड़े वगैरह लगा दिए। कपड़े धोते धोते खूब उजाला हो जाता है, 9 से 10 बज जाते हैं। और यहाँ पे फिर पापा जी ने मोटर लगा दी थी, क्योंकि टंकी से पानी निकालने में थोड़ी बार बार मेहनत ज़्यादा लग रही थी, तो यहाँ पे पाइप वगैरह लगा के सारे जो बकेट वगैरह हैं सारे मैंने भर लिए हैं। अभी ये मुझे चाय ऊपर ले आए, चाय और पानी की बीवी मेहनत कर रही है, तो लाओ थोड़ा सा उसको चाय वगैरह बना दो, वरना कभी लाते नहीं है, हम लोगों की थोड़ी बहसबाजी हो जाती है, आज तुम बनाओगे सुबह तुम जाओ नीचे जाने में, तो आज ये ऊपर लेके आए मेरे लिए। Thank you.
एक्सरसाइज, मैं कपड़े उपड़े धो के बच्चों को स्कूल भेज के नहा कर मैं ये सारे अलमारी हैं इनको अच्छे से व्यवस्थित जमा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा कपड़े फैले हैं, तो मुझे इनको करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगे सारे कपड़ों को सबकी अलमारियों में रखने। बच्चों के अलग रखे, इसके पापा के अलग, सब के अंडरवियर्स अलग रखो, सारी चीज़ें जो आसानी से मिल जाए तो उनको थोड़ा सामने रखना पड़ता है। और फिर इसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ जहाँ पर मैं ये थोड़ा दूध है जिसमें अंजीर वगैरह डाल के मैं थोड़ा गर्म कर रही हूँ मेरे लिए, कि मुझे थोड़ा सा जब वीकनेस लगने लगती है तो मैं ये दूध बना के लेती हूँ। और ये बादाम है इनको अच्छे से कूट लूँगी, और किशमिश वगैरह डाल के आप अच्छे से जैसे घोट लेते हो ना, इसको कम से कम 10 मिनट तक मैं अच्छे से दूध को गर्म करके अच्छे से खोल जाएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल गल जाएंगी, तब तक मैं इसके लिए एक उबाल दूँगी। तो आप सभी लोग जानते होंगे अंजीर कितना फ़ायदेमंद होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 अंजीर डालना है, 3 से 4 बादाम डालना है और 5 से 6 किशमिश डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हद से ज़्यादा अगर कोई चीज़ खाते हैं तो भी वो नुकसान देती है। तो गाइस अभी मैंने ये तुरई की सब्जी ये काट के रख ली है, ये मेरी ननद के लिए बनाऊंगी। और आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है बेसन गट्टे की रेसिपी। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है इसको बनाना। तो मैंने बेसन ले लिया है, आप अपने मेंबर के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने जो मुझे बनाती हूँ तो मुझे एक आइडिया हो गया बनाने का, तो मैं उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। और फिर इसमें सारे मसाले हम मिला लेंगे, जहाँ पर नमक है, थोड़ी सी हल्दी है, लाल मिर्च, और क्योंकि जब ये मुंह में जाएँ तो थोड़ा एक सारे मसाले होना चाहिए। और वैसे कुछ लोग नहीं मिलाते हैं इसमें सारे मसाले, पर मैं मिलाती हूँ, और नमक वगैरह। और थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर चुटकी भर मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है हमें, वरना अगर ज़्यादा मिला दोगे तो वो अच्छे से वो फूल जाएंगे ज़्यादा, पूरे बिखर जाएंगे। और फिर हल्के हाथों से हमें इसको गूंद लेना है, ना ज़्यादा टाइट गूंदना है ना ज़्यादा नरम गूंदना है। अच्छे से तो गाइस ये एक राजस्थानी डिश है और राजस्थान में इसको बहुत ज़्यादा पसंद करा जाता है। और आई होप आप सभी लोगों को ये डिश बहुत अच्छी लगे, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, कोई बनाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसको गूंद लिया है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसके रोल बना लेंगे। रोल बना के फिर मैं इसको कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसको पानी में बॉयल करूँगी। बिल्कुल हल्के हाथों से ही बनाना है, क्योंकि ज़्यादा टाइट इसको अगर आप गूंदोगे तो वो जो होगा ना बेसन गट्टा, वो मतलब बिल्कुल भी टाइट टाइट रहेगा सब्जी में। तो मैंने यहाँ पे पानी उबलने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे जो इसकी ग्रेवी के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए मैं उसको तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो प्याज लहसुन है इसको मैं पीस लूँगी मिक्सर में, और मैंने प्याज लहसुन को अच्छे से पीस लिया है, क्योंकि बिना उसके ये सब्जी अच्छी नहीं बनती है। और मैं बेसन गट्टे को पानी में डाल दूंगी, इसको कम से कम 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक इसको जब उबालूंगी। और इधर मैं एक तरफ वो दीदी के लिए भी सब्जी बना रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल उबल गए हैं, मैंने गैस बंद कर दी है। मैं इनको निकाल लूँगी और इनके पीसेस में काट लूँगी, पहले इनको ठंडा हो जाने देंगे फिर हम इसको पीसेस में काट लेंगे। आप अपने हिसाब से इनके पीस काट सकते हैं, छोटे मीडियम बड़े किसी भी हिसाब से काट सकते हैं इसको। और उधर दीदी के लिए भी मैं तुरई की सब्जी बना रही हूँ, और पापा जी आ गए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या बना रही हूँ। तो मैं उनको बता रही हूँ कि पूछ रहे हैं दो दो किसके लिए, तो मैंने बताया कि एक दीदी के लिए बना रही हूँ और एक बेसन गट्टे जो हम सब लोग खाएंगे, क्योंकि अभी वो थोड़ा परहेजी खाना खाती हैं। और मैंने यहाँ पे बारीक पीस, बिल्कुल बारीक मैंने यहाँ पे मसाला ग्रेवी नहीं करी है, थोड़ा मोटा मोटा प्याज यहाँ पे पीसा है मैंने। और इसको कभी भी आप अगर लहसुन प्याज ये सारे पेस्ट को अगर पीसते हैं तो बिल्कुल मीडियम आँच पे ही रख लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और कम से कम इस मसाले को भुनने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम में इसको रखना है। और फिर यहाँ पे मसाला बिल्कुल हो गया था, तो मैं यहाँ पे टमाटर है वो भी मैंने 1-2 टमाटर इसमें मिक्सर में पीस लिए थे,
अब इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक मैं इसको होने दूंगी अच्छे से। और फिर पानी वगैरह डालने के बाद मैंने अच्छे से जो ग्रेवी थी उबाल ली, बस इसमें मैं बेसन गट्टा डालूंगी और बस 2 से 3 उबाल आने के बाद मैं इसमें हरा धनिया वगैरह डाल के अच्छे से सबके लिए सर्व करूँगी। और आप लोग भी बताना कि मेरी डिश ये कैसी लगी, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। और एक बार ज़रूर मेरे कहने पे इसको ट्राई करिए। और आई होप आप सभी लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।